नासी बन्नू 4 जुलाई 1916 18 जून 2002 एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी। उन्हें नासिम के नाम से जाना जाता था। उन्हें ब्यूटी क्वीन और भारतीय सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में भी जाना जाता था। 1930 के दशक के मध्य से अपना फिल्मी करियर की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1950 के दशक के मध्य तक अभिनय करना जारी रखा। सौरभ मोदी के साथ उन्होंने उनके पहली फिल्म खून का खून की शुरुआत की थी। उसके बाद मीनावा मूवीटोन बैनर के तले उन्होंने कई वर्षों तक अभिनय जारी रखा। उनके फिल्मी करियर का उच्चतम बिंदु सौरभ मोदी की फिल्म पुकार के साथ आई, जिसमें उन्होंने महारानी नूरजहां की भूमिका निभाई थी। संगीतकार नौशाद के अनुसार उन्हें अपनी फिल्म के प्रचार विज्ञापन के माध्यम से परी चेहरा नसीम की उपाधि मिली। वह लोकप्रिय अभिनेत्री सायरा बानो की माँ और प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार की सास थी। भारत के दिल्ली शहर में जन्मे एक अमीर कुलीन परिवार के मुखिया के रूप में नासिम के पिता हसनापुर के नवाब अब्दुल्ला वहीद खान थे। नासिम, जिसका नाम रोशन आरा बेगम था, ने दिल्ली के क्वीन मेरी हाई स्कूल में पढ़ाई की। उनकी मां शमशद बेगम चाहती थी कि वे एक डॉक्टर बने। शमशद बेगम, जिन्हें छमिया बाई के नाम से भी जाना जाता है, उन दिनों की एक प्रसिद्ध और अच्छी कमाई करने वाली गायिका थी। नासिम ने एक बार कहा था कि उनकी मां ने उससे भी ज़्यादा कमाती है, जब वह खुद 3500 रुपये का वेतन कमा दी है। नासिम फिल्मों के लिए काफ़ी उत्सुक था और अभिनेत्री की प्रशंसा थी। जब से उन्होंने उनकी एक फिल्म देखी थी, उनकी माँ फिल्मों के विचार के खिलाफ थी। एक बार बॉम्बे की यात्रा के दौरान नासिम को फिल्म की शूटिंग देखने में दिलचस्पी हुई और एक सेट पर उन्हें सौरभ मोदी द्वारा अपनी फिल्म हेलमेट में ओकेलिया की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया। उसकी माँ ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और तब नासिम ने वो हड़ताल शुरू कर दी, जब तक कि उनकी माँ उनसे सहमत नहीं हो गई। भूमिका निभाने के बाद नासिम अपनी शिक्षा को जारी रखने में असमर्थ रही, क्योंकि स्कूल फिल्मों में उनके अभिनय पर हैरान था, क्योंकि उस समय उसे एक नीचे पेशा माना जाता था।